हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉज का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केरल में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा हादसा इंडियन रेलवे में पहली बार सुनने को मिल रहा है। ऐसा हादसा आगे ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, केरल के कोझीकोड में रविवार को एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर के हुए मामूली झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने अन्य यात्री को आग लगा दी, जिसके चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार आग लगने की घटना के कुछ घंटों बाद केरल के इलाथुर रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर 1 साल के बच्चे और एक महिला समेत 3 लोगों की मृत लाश पाई गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संदेह की अलप पूजा कुन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के यात्रियों द्वारा इमरजेंसी चेन खींचे जाने के बाद ट्रेन धीमी होने पर वो व्यक्ति फरार हो गया। अभी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक घटना रात 9:45 की है, जब ट्रेन कोझीकोड शहर को पार करने के बाद कोरापूजा रेलवे पुल पर पहुंची थी। यात्रियों ने रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, एक मामूली से झगड़े में इतना बड़ा कांड हो जाना, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाना और साथ ही साथ 8 अन्य लोग भी घायल हुए, यानी कि यात्री ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करके लोगों को आग लगा दी। अब दोस्तों, जब ये पकड़ा जाएगा भी बता पाएगा ऐसा इसने क्यों किया। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।